भाई साहब, नो डाउट 2024 यानी इस साल साउथ इंडियन मूवीज का ही राज रहने वाला है इंडियन सिनेमा में। ठीक है समरिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाई नॉर्थ इंडिया में यानी हिंदी लैंग्वेज में किस साउथ इंडियन मूवी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहेगा, किस सबसे बड़ा प्रहार रहेगा, क्योंकि भाई साहब हिंदी लैंग्वेज के लिए थिएटिकल राइट्स बेचे जा चुके हैं 3 मूवीज के, देवारा जूनियर एनटीआर की देवारा, प्रभास की कल की 2898 एंड पुष्पा 2 द रूल अल्लू अर्जुन की मूवी के लिए। तो किसका सबसे बड़ी डील रही है, अभी उस चीज को कवर अप कर लेंगे। उससे पहले वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब, देवारा की बात करें जो अक्टूबर में आने वाली है जूनियर एनटीआर के मेन लीड रोल में। भाई साहब देवारा ने बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट डील तय करी है, 50 करोड़ नॉर्थ इंडियन राइट्स यानी हिंदी लैंग्वेज के लिए इन्होंने भाई साहब इसमें बेचा है अपने राइट्स को, अपनी मूवीज के राइट्स को, जो बहुत बड़ी एक फाइन डील है। देन उसके बाद बात करें भाई मोस्ट हाइप्ड मूवी ऑफ दिस ईयर जो पहले ही आने वाली है, यानी हमें अभी तक आ रहा था कि जून में, लेकिन भाई साहब कहा जा रहा है कि 30 मई के आसपास ये मूवी को रिलीज करा जाएगा। फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ कि जून स्टार्टिंग में ही इस मूवी को फोकस करा जा रहा है। भाई प्रभास की कल की 2898 के लिए बिगेस्ट डील रखी है, बहुत बड़ी डील, 100 करोड़ में इन्होंने हिंदी राइट्स बेचे हैं यानी नॉर्थ इंडियन राइट्स बेचे हैं, जो कि एक फाइन डिमांड है फॉर द मूवी, क्योंकि मूवी फॉलो करने वाली है जेनर डिस्टोपियन एरा को, और देन उसके बाद एक्शन धमाका ये सब चीज़ें तो हमें देखने को मिलने वाली है। भाई इस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि डिस्टोपियन एरा की मूवीज भाई नहीं आई हैं इंडियन सिनेमा में, नहीं आई है, लेकिन ये जिस हिसाब से इंट्रोड्यूस करने वाला है यहाँ पर डिस्टोपियन एरा, हाँ गणपत की बात नहीं करेंगे, उन्होंने टट्टी वट्टी जो भी हक दिया है उस मूवी को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन भाई साहब इस मूवी से बहुत उम्मीद है, क्योंकि नाग अश्विन जो इसका डायरेक्टर हैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट है अपने कंटेंट को लेकर, अपने इस क्रिएशन को लेकर, तो वेट है। और भाई जब 100 करोड़ में ये लोग बेच सकते हैं नॉर्थ इंडियन राइट्स यानी हिंदी राइट्स, तो आप समझ सकते हो कि ये अपने कंटेंट को लेकर कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। बस बात करें थर्ड वन मूवी जो भाई साहब झुकेगा नहीं, पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है वाला, जिसके लिए लिटरली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई इस सेकेंड पार्ट के लिए, जिसने बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट डील साइन करी है, जो नॉर्थ इंडियन की मूवीज हैं, बॉलीवुड की मूवीज है, उनको खदेड़ के आगे बढ़ा है ये मूवी। भाई 200 करोड़ में नॉर्थ इंडियन राइट्स इन्होंने सोल्ड आउट करे है हिंदी लैंग्वेज के, 200 करोड़ भाई, इतना तो कलेक्शन नहीं होता है बॉलीवुड की कोई भी बड़ी से बड़ी मूवीज का ही ले लो, यहाँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ चल रही है, मैदान मूवी चल रही है, इनसे भी कोई उम्मीद नहीं जताई जा रही कि ये 200 करोड़ कवर अप कर भी लेंगे या नहीं कर लेंगे। डंकी और जवान वो दो मूवी थी जिन्होंने हिंदी राइट्स बेचे थे अपने 150 करोड़ में, लेकिन भाई साउथ इंडिया की मूवी नॉर्थ इंडिया में आके 200 करोड़ में अपने राइट्स बेच रही, तो आप समझ सकते हो ये अपने कॉन्टेंट को लेकर, अपने क्रिएशन को लेकर कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। बस भाई इतना ही काफ़ी है इन पर ट्रस्ट करने के लिए कि मूवी में बहुत कुछ धमाका मिलने वाला है। भाई पुष्पा का रोल होने वाला है, तो तीनों में से कौन सी मूवी भाई बहुत ज़्यादा भाई कंपटीशन ना बॉक्स ऑफिस के मामले में अगर देखा जाए तो कंपटीशन दो मूवी में होने वाला है, प्रभास की कल की 2898 एंड अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 द रूल। भाई दोनों से प्रॉमिस करा जा रहा है, और पुष्पा 2 द रूल से तो अभी प्रॉमिस करा जा रहा है कि 2000 करोड़ तो इजिली ठोक के जाएगी, जिस हिसाब से राइट्स बेच रहे हैं भाई डेफिनेटली ठोक के जाने वाली है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में हिंदी लैंग्वेज में हिंदी ऑडियंस अच्छा खासा वेट कर रही है ज़बरदस्त तरीके से। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए, सामने इसके कोई भी मूवी आएगी क्लास में मारी ही जाएगी, क्योंकि एक तरफा ये मूवी कलेक्शन करने वाली है। तो ऐसा तीनों ही मोस्ट हाइप्ड मूवी हैं, आपको इन तीनों में से कौन सी मूवी का बहुत ज़्यादा वेट है और कितना एक्साइटमेंट है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना एक्सपीरियंस, अपना ओपिनियन, अपनी बात जरूर शेयर करके जाना। बाकी आपके हिसाब से कौन सी मूवी यहाँ पर 1000 करोड़ का बिजनेस करके जाने वाली है और कितने समय में करके जाने वाली है। मिलते रहेंगे ऐसे ही, जय हिंद।